जहां तक रोहतक की बात है, बड़े लंबे के समय के बाद अपने इलाके में अपने इलाके के एक बेटे को अवसर मिला हुड्डा साहब के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उससे पहले रोहतक की क्या परिस्थिति होती थी बड़े बुजुर्गों को आप सबको याद होगा। अवसर मिला जब राज हमारे इलाके में आए तो प्रयास किया ये इलाका आगे जाए, विकास कार्यों की तरफ आगे बढ़े। 2014 में जब वो कहीं और राज चला गया, बीजेपी की सरकार बनी, तो विकास की रफ्तार वहीं रुक गई, विकास कार्य हुए नहीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब 10 वर्ष आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आपके आशीर्वाद से मुझे यहां से लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद के रूप में आपने अवसर दिया था। उस समय केवल शिक्षा क्षेत्र में देखें तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 4 नई यूनिवर्सिटी बनी, 18 कॉलेज बने सरकारी कॉलेज, 18 सरकारी ITI बनी, 8 पॉलिटेक्निक अलग अलग बनी, 2 केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार से, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा सरकार से, और 120 खेल के स्टेडियम अलग अलग जगह गांव में और बड़े शहर की बात हो, और इसके अलावा 5 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, चाहे एम्स हो, चाहे ITI हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM रोहतक हो, चाहे FDDI हो, चाहे IIHM हो। दुर्भाग्य की बात यह है, मैं स्कूलों का तो जिक्र भी नहीं कर रहा, और सैकड़ों की संख्या में नए स्कूल बने अलग अलग गांव में शहरों में। दुख की बात यह है कि सरकार में, बीजेपी की सरकार 9.5 साल हो गए, ये जो यूनिवर्सिटी बनी थी, यूनिवर्सिटियां बनी थी, जो ITI एम्स IIM कॉलेज पॉलिटेक्निक ITI, ये अगली पीढ़ी के भविष्य को दिशा देने के कार्य में थी। दुर्भाग्य की बात है कि 9.5 साल की भाजपा सरकार में एक नई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या ITI पॉलिटेक्निक तो दूर की बात है, कोई एक नया सरकारी स्कूल भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 9.5 साल में नया स्कूल इस सरकार में बनाने, इस बात का दुख है। क्योंकि शिक्षा को के विस्तार को रोकना नहीं चाहिए, कम ज्यादा रफ्तार हो सकती है मगर शिक्षा के विस्तार को नहीं रोकना चाहिए। इसी तरीके से स्वास्थ्य की बात है, उस समय सुपर स्पेशलिटी के निजी और प्राइवेट क्षेत्र के कुल मिलाकर 4 अस्पताल बने, AIIMS 2 की बात हो, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की बात हो, PGI रोहतक के विस्तार की बात हो, महाराजा अग्रसेन की बात हो, और 68 नए अस्पताल उस समय इस क्षेत्र के अंदर खुले थे। रेल की लाइन 230 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी थी, रोहतक झज्जर रेवाड़ी से जुड़ा था, और रोहतक मेहमहासी की रेल की लाइन का अंतिम चरण में काम पहुंच गया था, जो 10 साल के बाद भी आज भी वो रेल की लाइन में ट्रायल रन हो रहा है। 10 साल के बाद भी जमीन एक्वायर हो चुकी थी, केवल इनको रेल की लाइन पूरी करानी थी। इसी रूप से चाहे मेट्रो भादुगढ़ तक पहुंची थी उस समय, अब 9.5 साल से साखोल से आगे भादुगढ़ एक खंबा भी 9.5 साल में मेट्रो का आगे नहीं पहुंच पाया, चाहे वो रेल की लाइन 230 किलोमीटर इस क्षेत्र में।